press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू भोपाल. मैं हूँ सुमन तिवारी एंड दिस इज श्रवण मल्होत्रा. एंड अब आप हम दोनों के घरों का टूर लेने वाले हैं. तो मैं एक आर्मी फैमिली से हूँ तो मेरा घर भी उसी तरह से डिजाइन है. नाउ लेट्स सी. ये मेरी स्कूटी है और ये मुझे पता है किसने गिफ्ट करी है. मेरे चाचू ने. और ये मेरी चाची हैं. हेलो. ये मेरी बहुत प्यारी सी बिटिया है और हम लोग इसे बहुत प्यार करते हैं. और ये स्कूटी, इसको मैंने प्रॉमिस किया है कि ये स्कूटी हमेशा आराम से चलाएगी. लाइसेंस इसके पास आ चुका है. हालांकि इनको भी बड़ा शौक है स्कूटी में घूमने का. और जाती है घूमने, स्कूल भी जाती है, कॉलेज भी जाती है. हम लोगों का जो परिवार है बहुत ही प्यारा सा परिवार है. मेरी एक बिटिया है कंचन और ये मेरी बड़ी बेटी है. और हम लोग पता है एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते. इसी तरह से हम लोग एक दूजे के वास्ते बने हुए, एक दूजे से प्यार करते हैं. आप लोग हमें देखिए एक दूजे के वास्ते में. Okay, let's see the rest of the house. दादाजी इधर से आइए. आप मीट ब्रिगेडियर तिवारी, माय दादू. हाँ जी, आ जाओ इधर आ जाओ. यस. हाँ जी. हाँ क्या हो रहा है एक दूजे के वास्ते है? अरे ओहो हो, हेलो जी, कैसे हैं आप? देखा आपने हमारा घर? अभी नहीं देखा. अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, वेरी गुड. तो आप हमारा घर देखिए कि ये घर एक दूजे के वास्ते कैसा है. और एंड शी इज माय सिस्टर कंचन. हाय. एंड जितनी डिसिप्लिन आपको सुमन दिखी होगी अब तक, आई एम कंप्लीट ऑपोजिट. मैं ज़्यादातर लड़कों में इंटरेस्टेड रहती हूँ और आर्मी में बिल्कुल भी नहीं. So I'm more of the civilian type. Tell them what you want to be when you grow up. हाँ, so I want to become a past life regressionist. That's so cool. जब मैं बड़ी होती हूँ. Yeah. So that's something I want to do. And we both love each other. Yeah. That's Devika. She is my best friend. He's also my best friend. Anish. Guys. We all from the army. Yeah, we the army brats. Yes. And this one is my go-to person right here. तो मेरी लाइफ में कोई भी दिक्कत होती है ना, आई गो टू हर. या वी आर सुमन्स फ्रेंड एंड वी आर इन द आर्मी स्कूल एक्चुअली. एंड आई डू नॉट नो व्हाट आई एम डूइंग हियर एक्चुअली. ये मुझे पिकअप ड्रॉप के लिए यूज करती है शो में. सुमन इज गोइंग टू बी द वन जो सबसे ज्यादा रूल्स तोड़ने वाली है. एंड मीट माय फादर एंड माय मदर. पूछिए. नहीं नहीं, हम बिल्कुल डरते वरते नहीं है. हम सारे बहुत हम आर्मी वाले हैं. हाँ. डर कैसे सकते हो? हम डराने वाले में से हैं. राइट. आर्मी की यूनिफॉर्म में जी तो फिर तो मैंने कैरी किया है यार. सो आपने अपने क्वेश्चन का खुद ही आंसर दे दिया. हाँ. सो मैंने ट्राई किया है जितना मैं कैरी कर सकता हूँ. लेकिन आई होप कि ये एक बार ब्रॉडकास्ट हो जाए तो सही पता चलेगा. ऑडियंस बताएगी कि ये सही से हो पाया कि नहीं. बट मैंने ट्राई किया है पूरा कैरी करने का आर्मी ऑफिसर की तरह, कि मैं कर्नल लगूँ, जस्टिफाइड करूँ उसको. हाँ चुड़ाई. हाँ. रियल का मज़ा बिल्कुल अलग होता है एक्चुअली. आप स्टूडियोज़ में शूट करते हैं तो एक आर्टिफिशियलिटी आ जाती है वहाँ पे. और जिस सिटी का कहानी है अगर उस सिटी में ही आप शूट करते हैं तो फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है. सो उसका मज़ा बिल्कुल अलग है ओरिजिनल लोकेशंस पे आप शूट करते हैं. अच्छा, इस घर का कोई फेवरेट कॉर्नर दिखाना चाहेंगे जो आपको पसंद है या जहां आप ज्यादा टाइम स्पेंड? हां, वो मेरा रूम है ऑब्वियसली. रूम में डाइनिंग टेबल है एक्चुअली, जिस पे हम सब लोग हमेशा खाना खाते रहते हैं. एक्चुअली इट इज मेंट फॉर दैट ओनली. तो हमारे बहुत सारे
सारे इम्पोर्टेंट सीन्स क्योंकि सारी फैमिली यहीं बैठ के खाना खाती है, तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे सीन्स होते हैं. हाँ, सो मुझे मैक्सिमम सीन्स हमारे यहाँ होते हैं. यस एग्जैक्टली, पिक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है. अब हम मेरा फेवरेट पार्ट देख रहे हैं इस पूरे घर का, विच इज कंचन और मेरा रूम. तो ये है मेरे घर का मेरा फेवरेट पार्ट, कंचन और मेरा रूम. देखो ये कितना सुंदर है, ऊपर लाइट्स देखो. कितनी डिफरेंट और यूनिक है. ये मेरा बेड है, यहाँ पे मैं सोती हूँ, यहाँ पे मेरी बहन सोती है कंचन, और सुबह मैं उसको यहाँ पे मार के उठाती हूँ. और ये हमारी क्यूट क्यूट फोटोग्राफ्स हैं, ये अलार्म से मैं उठती हूँ. ये कंचन की कबर्ड है, ये मेरे सारे मेडल्स हैं क्योंकि ऑब्वियसली मैं हर चीज़ में जीतती हूँ. तो ये मेरे सारे मेडल्स हैं, और ये कुछ कुछ कोट्स हैं जो मुझे इंस्पायर करते हैं. ये कंचना मेरी फोटोग्राफ, और ये सुमन तिवारी क्योंकि ऑब्वियसली मैं बहुत अच्छी हूँ पढ़ने में. और ये मेरे सारे मेडल्स, और ये हमारे ताऊ जी की फ़ोटोग्राफ है, और ये मेरी कबर्ड है, और ये मेरे दादाजी के साथ मेरी फोटोग्राफ और कंचन की फ़ोटोग्राफ है. ये सब कंचन के टाइप की चीज़ें हैं जो उसको पसंद है. और यहाँ पे मैं कभी कभी स्केचिंग करती हूँ, सुमन को स्केचिंग करना पसंद है. और वो हमारी फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पड़ी हैं, हमारी बचपन की फ़ोटोग्राफ्स हैं. सो दिस इज़ द बालकनी, और ये हमारा प्यारा सा झूला जिसको हम बहुत टाइम से झूल नहीं पाए क्योंकि हमें श्रवण तंग करता है आजकल लाइफ में. बोरिंग घर आप लोगों ने देख लिया है? बिल्कुल भी बोरिंग नहीं था. अब बारी है मल्होत्रा, लेट्स गो टू मल्होत्रा. नमस्कार नमस्कार, आइए हमारे घर में आइए. ये छोटा सा घर है लेकिन बड़े दिल वालों का घर है. आइए, एक तरफ तो बिजनेसमैन फैमिली है, एक तरफ आदमी वाली है, तो ये सबसे ज़्यादा कॉम्बिनेशन ही काफ़ी अच्छा है. कि अगर इस तरह तो थोड़ा अपने बारे में अगर बताएं आप विजिट करके. तो देखिए ऐसा है, हम एक्चुअली गुड़गांव में रहते थे, बहुत बड़ा बंगला था हमारा, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं यहाँ पर जो आर्मी में काम करते हैं. कि मैं बेसिकली आर्मी इक्विपमेंट सप्लाई करता हूँ, और मैं बहुत ही खुददार इंसान हूँ, और सबसे बढ़िया इक्विपमेंट मैं आर्मी को सप्लाई करना चाहता हूँ उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी लाइफ के लिए. तो इसलिए मैं यहाँ आके मैंने यहीं घर लिया. हाय, हाय, आई एम अवनी, और मैं श्रवण की बहुत टांग खींचती हूँ, एंड एवरीवन नोस. और आप कुछ बोलना चाहते हैं मेरे बारे में? इसके बिना मेरा दिल नहीं लगता. अच्छा, तो ये मेरा बहुत खास दोस्त है, और आगे जाके मेरी सुमन भी बहुत खास दोस्त बन जाएगी. और ऑन स्क्रीन जितने अच्छे फ्रेंड्स हैं, हम ऑफ स्क्रीन आई थिंक उससे भी ज़्यादा बहुत क्लोज हो चुके हैं अभी फिलहाल, भोपाल आने के बाद स्पेशली. हाँ बिल्कुल वाकिफ हूँ सर, मेरे सबसे अच्छे दोस्त की बेटी है, और बहुत होनहार लड़की है, और सिद्धांतों की एकदम पक्की है. मम्मा'स फेवरेट प्लेस, जहाँ पे मेरी मम्मी 24 घंटे रहती है, दैट्स आवर लग्जरियस किचन. उन्हें रहना पड़ता है किचन में. ये कंपल्शन है, और ये वो खूबसूरत जगह होती है जो कहते हैं ना, एक पूजा और दूसरी पेट पूजा. साहेब मेरा चड्डी बड्डी, हम पिज्जा खाते हैं, टीवी देखते हैं, आयाशी करते हैं, सोफे में सोता हूँ. Avni, alone. Mama, also alone. Chachu. कहाँ है? मैंने देखा नहीं कभी. ये पेड़ जो आप देख रहे हैं हमारे घर में, इस पेड़ की बहुत बड़ी कहानी है. हम लोग जब पहली बार कविता जी और मैं मिले थे, तो इस पेड़ के पास ही मिले थे हम लोग, और ये पेड़ हमारे प्यार की गवाही है. और ये पेड़ को हम तब से अपने साथ लेके चल रहे हैं. गाँव में हमारे बंगले में था, वहाँ से हम उसको गमले में डाल के हमने वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया और इसे यहाँ लेकर आए. बेडरूम तो आपने बहुत देखे होंगे, अब श्रवण मल्होत्रा का बेडरूम देखिए. यहाँ पे पूरे अलग अलग लड़कियों की फोटोज थी जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड. दिस इज मी,
टच नहीं। एक प्यारी प्यारी चीज ये देखो, रीड दिस वन। इफ आई टोल्ड यू आई मिस्ड यू, यू वुड कम बैक? श्रवण मल्होत्रा। सो दैट्स माय मेडल्स। मतलब जरूरी है सिर्फ तिवारी के पास ही सब कुछ है? शायद इसने खरीदे हैं। सब एवे ही फुकरा बनते हैं। सब शो ऑफ है इस घर में। बस दैट्स इट, खत्म। बस पूछो मत। तो ये वो बालकनी है जहां से मैं सुमन को रोज छेड़ता हूँ रात को। यहाँ से आपको साफ दिखेगा तिवारी खानदान। मैं रोज चिल्लाता हूँ यहाँ से, सुमो। तो दिस इज माय चिल्ड्रन स्पॉट। मैं यहाँ पे टॉवल में बैठा रहता हूँ दिन में फेस पैक लगा के। तो श्रवण जी के कमरे में ना नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वो क्या करता है कि ये नोटिस भी नहीं करता कि अभी मतलब नहा के तौलिए में बाहर आया या कैसे बाहर आया। फोन आया तो क्योंकि नेटवर्क नहीं सीधा सीधा बालकनी में। तो दिस इज माय स्पॉट। मैं यहां पे फेस पैक लगा के लेट जाता हूं। तो ये कह सकते हैं कि नोक झोंक प्यार की पहली सीढ़ी होती है, तो नोक झोंक से ही आपकी शुरुआत होने वाली है। ये बालकनी, ये बालकनी से उस बालकनी, ये अमरूद छक्के मारती मुझे। अमरूद लिटरली मैं यहां खड़ा हूं, अमरूद आता है मेरे सर पे, मैंने कहा कौन है और पीछे से। सो आई होप आप लोगों को मेरा घर बहुत पसंद आया होगा। इन लोगों के घर से बहुत अच्छा था, पर आई होप आपको तिवारी हाउस ज्यादा पसंद आया होगा। यक, बकवास, पीला, बोरिंग। प्लीज शो ऑफ। एनीवे, सो आप हमारी खट्टी मीठी लव स्टोरी को जरूर देखिएगा फ्रॉम द 10th ऑफ फेब 9:30 PM ऑनवर्ड्स ऑन सोनी टीवी। एक दूजे के वास्ते पार्ट 2 सीजन 2 एक्चुअली।